हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं एवीटी गोल्ड कप चाय के बारे में। क्या स्पेशल है इस चाय के अंदर, तो वो हम देखेंगे। ये प्रीमियम डस्ट टी की कैटेगरी के अंदर आती है और इसका जो 100 ग्राम का पैक है वो मेरे पास है। इस तरीके की कार्टन बॉक्स पैकेजिंग के अंदर है। अंदर की तरफ डबल लेयर पैकेजिंग है जिसमें ये गोल्डन फॉइल की अंदर की तरफ की एक और पैकेजिंग इसमें मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस चाय की प्राइस के बारे में। तो ये 100 ग्राम का पैक मिलता है 85 रुपीज की MRP के साथ में। एवीटी का ये गोल्ड कप हमने बना करके तैयार किया और तैयार करके अब हम कर लेते हैं इसको टेस्ट। एवीटी का गोल्ड कप का ये जो चाय है, इसका जो बिटरनेस है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल आपको ज़्यादा फील नहीं होता है और एक ऑर्डिनरी चाय के जैसा ही ये फील कर रहा है। गोल्ड कप या इसको स्पेशली इस तरीके का नाम देने का कोई तुक यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है। और ये डस्ट टी है, चाय की पत्ती की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बारीक है, तो इसकी वजह से छलनी में से भी होकर के चाय जो है नीचे की तरफ इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी सारी चाय इकट्ठी हो गई है। और इस चाय पत्ती की अगर टेस्ट वाइज हम देखें तो सो है, ट्राई किया जा सकता है, लेकिन इतनी कुछ खास बात इसमें मुझे नहीं नज़र आई। टेस्ट वाइज भी ठीक ठाक ही है। और ब्लैक टी है तो यहाँ पर इसको दूध के साथ में या पानी के साथ में बॉईल करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हमने इसको दूध के साथ में तैयार किया है। अगर इसको कार्डमम और हर्ब्स के साथ में हम अगर मिक्स करके फिर बनाते हैं तो हो सकता है ये थोड़ी ज़्यादा बेटर टेस्ट करती, बट अभी तो ये ठीक ठाक सा ही टेस्ट कर रही है, ज़्यादा कुछ खास मुझे लगी नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।